अरे पुरुषोत्तम भाव्या, आई वुड लाइक टू हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आई एम भाव्या, आल्सो आर्यन खन्ना, जैसा आपने देखा होगा टीजर। मेरा ये मानना है कि प्यार तो देखिए एक तरफा ही होता है, क्योंकि जो दो तरफा होती है वो तो सिर्फ भगवान की कृपा होती है या खुदा की मेहरबानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव फॉर मी इज नथिंग बट सरेंडर। इफ आई एम इन लव विद माय कैरेक्टर, आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ टू द कैरेक्टर। इफ आई एम इन लव विद अ पर्सन, आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ। इफ मी एज एन एक्टर आई एम इन लव विद द डायरेक्टर, तो आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ। फिर जो भी बोले, सही हो गलत हो, जो कि अब तक बहुत ही उम्दा है, वो वैसा ही होता है। सो दैट्स लव फॉर मी। थैंक यू। अचल तकवाल है ना, बहुत बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान। कभी इन्होंने थिएटर किया और बहुत अच्छे से किया। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आई एम अचल तकवाल एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कबीर। सो अभी बहुत सारी डेफिनेशंस प्यार के बारे में हो चुकी है ऑलरेडी, तो आई विल नॉट गो फिलोसॉफिकल प्यार के बारे में। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि जब एक मिडिल क्लास लड़का बम्बई में आता है और एक्टर बनने का ख्वाब देखता है, और जब उसकी पहली फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज़ होती है, तो उसके लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि पूरी ऑडियंस थिएटर में 3 मई 2024 को आकर हमें बहुत सारा प्यार है। बस यही मेरे लिए प्यार।